सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, टिंग निंग 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 कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, टिंग निंग 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 कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही। हेलो इंडिया, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चलने पर। अरे वो चलना नहीं जो हम लोग रोज़ चलते हैं, उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे जैसे हमने कोई टारगेट सेट किया है और उसे कैसे अचीव करना है। जैसा कि ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल कंपटीशन बहुत टफ़ है, लेकिन हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इस वजह से कि अगर हम सिर्फ दो चीज़ों पर विश्वास करते हैं, एक ऊपर वाले पर और एक अपने आप पर, अगर आपके अंदर ये दो विल पावर मतलब इस तरह के हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल पर कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएंगे। किसी किसी को कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा और कोई जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि हर चीज़ हमारी मेहनत के साथ साथ हर तरह की परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। हमें ये नहीं सोचना होगा कि अरे उसको तो बहुत जल्दी उसकी मंजिल मिल गई और हम तो अभी तक इतना प्रयास कर रहे हैं और हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, और मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लक काम करता है, लेकिन लक के साथ साथ मेहनत भी काम करती है, और मेहनत के साथ साथ ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ जुड़ी होती हैं जो उस पर काम करती हैं। तो हमें जैसे एक चीज़ होती है वेट एंड वॉच, लेकिन हमें कभी भी रुकना नहीं है। मतलब आपको इतना तेज़ भी नहीं चलना है कि आप जा कर के गिर जाएं फिर आपको और ज़्यादा टाइम लगे संभलने में, तो उस तरह भी नहीं करना है। और हमें रुकना भी नहीं है, हमें उसको उस परिस्थिति के हिसाब से अपने प्रयास और तेज़ करने हैं जिस हिसाब से हम अब बहुत ही मतलब कि कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर हम और ज़्यादा कर सकते हैं काम और हम बिल्कुल भी ना करें, लेकिन बस इसी तरह धीरे धीरे हमें अपनी कोशिशें बढ़ानी हैं और कभी भी निराश नहीं होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उदास नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अरे नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता। बस ये जो वर्ड अगर आपके मतलब जो ये चीज़ें दिमाग में आ गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहीं से सबसे पहली हार शुरू होती है जब हम ये सोचते हैं अरे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, और मतलब अपने मन को उदास कर लेते हैं। हमें कभी भी अपने मन को उदास नहीं होने देना है, और हमेशा धीरे धीरे भी चलना है, और जब ज़रूरत पड़े तो तेज़ भी चलना है। उसी हिसाब से हमको अपने आप को एडजस्ट भी करना है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ओके, टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड मी। ओके, बाय।